दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में एक ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इस बेहद ही खतरनाक मुकाबले में अंत तक ये कह पाना मुश्किल था कि आखिर जीत किसकी होगी। तो आखिरकार क्या हुआ इस महा मुकाबले में और कैसे भारतीय टीम ने शुभमन गिल के शतक और गेंदबाज आवेश खान के साथ साथ ईशान किशन दीपक चहर के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मैच को अंतिम ओवर में अपने नाम किया। तो आखिरकार क्या हुआ इस अंतिम ओवर में और कैसे भारत के युवा खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को विजय दिलाई, जाने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शुभमन गिल और ईशान किशन में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान राहुल ने उप कप्तान शिखर धवन के साथ करी और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहद ही खतरनाक शुरुआत दिलाई और मात्र 12 ओवर में ही 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली। लेकिन पारी के 15वें ओवर में कप्तान राहुल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी भारतीय फैंस को हिला कर रख दिया। दरअसल एवंस की एक गेंद राहुल के बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे विकेटों पर जा लगी और कप्तान राहुल को पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ा। 46 गेंदों में 30 रन की पारी खेली कप्तान राहुल ने। इससे कुछ देर बाद ही उप कप्तान शिखर धवन भी एवांस की गेंद पर कवर में कैच थमा बैठे और 40 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन के कंधों पर थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दोनों ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की क्लास लेनी शुरू कर दी और शुभमन गिल ने आते ही अपने पहले ही ओवर में एक ऐसा चौका जड़ा जिसने गेंदबाजी तक के होश उड़ा दिए। लेकिन एक तरफ तो ये तो सिर्फ शुरुआत थी, वहीं गिल लगातार जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को उनकी गेंदों को बाउंड्री पहुंचा रहे थे। ईशान किशन भी संभल कर अपने आक्रामक पारी खेल रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते भारत के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया और गिल ने इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वहीं पर ईशान किशन भी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी के 42वें ओवर में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और जिसमें उन्होंने खतरनाक 6 चौके जड़े थे। अब तो सभी सोच रहे थे कि ये दोनों बल्लेबाज जिम्बाब्वे की गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को मायूस कर दिया। दरअसल ईशान किशन अपना अर्धशतक पूरा करते ही रन आउट हो गए, उन्हें पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ा। लेकिन शुभमन तो आज कुछ अलग ही करने के मूड से आए थे और कुछ अलग कर भी रहे थे। उन्होंने इसके बाद दीपक हुड्डा के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो भी शुभमन गिल का साथ नहीं दे पाए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। और अब मैदान पर संजू सैमसन आते हैं, जिन्होंने आते ही इतने शानदार छक्के जड़े जिसने भारतीय दर्शकों में एक बार फिर से उत्साह की लहर दौड़ा दी। लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और सैमसन भी जोंगवे को अपना विकेट दे बैठे। जहां दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे तो वहीं शुभमन अपना शतक पूरा कर चुके थे, लेकिन अब यहां वो रुकने वाले नहीं थे। शुभमन गिल खेलने पारी के अंत तक मात्र 97 गेंदों में 130 रन जोड़े और जिसमें उन्होंने 15 चौके और एक बेहद ही खतरनाक छक्का लगाया। उनकी शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 289 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना लिए थे और अब जिम्बाब्वे के सामने 290 रनों का विशाल लक्ष्य था। जिम्बाब्वे की तरफ से पारी की शुरुआत करने कायतानो और काइयो ने पारी की शुरुआत करी और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले दीपक चहर ने बिना कोई गेंद फेंके ही काइयो को मकड़ जाल में फंसा दिया। आपको बता दें कि भारतीय कप्तान राहुल ने यहां पर खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपील नहीं की थी और जिम्बाब्वे को आगे बल्लेबाजी करने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि इस मौके को भुना नहीं पाए और अगले ही ओवर में दीपक चहर को अपना विकेट दे बैठे। अब आपको बता दें कि बल्लेबाजी पर सीन विलियम्स आ चुके थे, उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और अक्षर पटेल को एक के बाद एक चौके जड़ दिए और भारतीय टीम के लिए खतरा बन रहे थे। लेकिन तभी दूसरे ओर से उनके साथ ही कायतानो रिटायर्ड हट होकर पवेलियन लौट गए और उनके साथ उनके स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए टॉनी आए। विलियम्स और टॉनी जिम्बाब्वे की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पारी का 17वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक लग रहे विलियम्स को आउट कर भारतीयों को एक राहत की सांस लेने का मौका दिया। अगले ही ओवर में आवेश ने टोनी को भी आउट कर दिया। अब मैदान पर जिम्बाब्वे के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सिकंदर राजा मैदान पर थे और सिकंदर ने आते ही बता दिया कि उन्हें जिम्बाब्वे का सबसे महान बल्लेबाज क्यों माना जाता है।
वो आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े, जहां पर एक ओर से भारतीय गेंदबाज जिम्बाब्वे के हर एक बल्लेबाज को आसानी से आउट कर दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सिकंदर राजा तो मानो एक अलग ही फॉर्म में चल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के सामने वो टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सिकंदर राजा ने अकेले अपने दम पर जिम्बाब्वे की टीम को जीत की तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। सिकंदर राजा ने पारी के 49 ओवर तक 115 रन बना लिए थे, लेकिन तभी लोग शार्दुल ठाकुर ने आपको बता दे कि एक बार फिर से अपना जलवा दिखाते हुए सिकंदर राजा को उनके मंजिल तक पहुंचा दिया, यानी कि आउट कर दिया। और आपको बता दे कि भारतीयों को इस मैच में सिकंदर राजा को आउट करते ही वापसी करा दी। अब जिम्बाब्वे को आखिरी गेंद पर जरूरत थी 15 रनों की, और आवेश खान ने अपनी तीसरी गेंद पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर भारत को यह मुकाबला 13 रनों से जिता दिया। भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट आवेश खान ने लिए थे, और वहीं पर इसके अलावा अक्षर पटेल, दीपक चहर और कुलदीप यादव ने भी 2-2 विकेट लिए। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।